हेलो फूड लवर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया, वो भी घर में। तो चले शुरू करें। हम 2 कप मैदा लेंगे, मैदे को अच्छे से छान लेंगे। मैदे में चुटकी भर नमक डालना है और उसे रोटी के आटे की तरह एकदम नरम आटा लगाना है। लज़ानिया में हमें बहुत सारे आइटम लगते हैं, तो हम धीरे धीरे करके एक एक आइटम के बारे में जानते चलेंगे और बनाते भी चलेंगे। आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है और उसे अच्छी तरह से मथ लेना है। हमारा आटा लग चुका है, अब हम उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम रेड सॉस बना लेते हैं। रेड सॉस बनाने के लिए हमें लगेगा 2 टेबल स्पून बटर। बटर थोड़ा सा गर्म होता है, फिर उसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन। लहसुन थोड़ा सा पकता है, फिर डालेंगे 1/2 कप बारीक कटे हुए प्याज। अब हम प्याज को थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। हमारे प्याज पक चुके हैं और बटर भी दिखाई देने लगा है। अब हम इसमें 1 कप एकदम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, या आप इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे। हमारे टमाटर पक रहे हैं और उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और 1/2 कप पानी। पानी आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सॉस थोड़ा पतला ही रखना है। अब हमारा सॉस पक चुका है, अब हम इसमें फ्लेवर के लिए दूसरे सॉस ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सेंचवान चटनी ली है, 2 टीस्पून चिली ओरेगेनो सॉस डालेंगे और 2 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसमें हम डालेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल गया है और हमारा रेड सॉस रेडी हो गया है। चलिए अब हम बनाते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस में हमें बटर थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बटर लिया है। बटर हमें इतना लेना है कि हमारा मैदा उसमें पूरी तरह से भीग जाए। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। मैदे को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बिल्कुल थोड़ा सा भुनना है। 2 मिनट भुनने के बाद हमारा मैदा रेडी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और विस्कर की मदद से हिलाएंगे। विस्कर से हिलाने से क्या होता है, इसमें गिठाने नहीं पड़ती है और आप कंटिन्यूस इसे हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें। हिलाते हुए पानी डालते हुए पेस्ट सा बना लेना है। फिर 1 कप दूध डालना है। दूध को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से हिलाएं और स्लरी होने तक पकाएं। देखिए हमारा सॉस स्लरी हो गया है। अब हम इसमें सिजलिंग कर लेते हैं। इसमें हम लेंगे 1/2 चम्मच नमक, आप नमक आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ओरेगेनो। ओरेगेनो को हम हाथ में लेंगे और हाथ में मसलते हुए इसमें डालेंगे।
हाथ में मसलने से क्या होता है, इसका टेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाता है और सॉस में टेस्ट अच्छा आता है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा वाइट सॉस रेडी है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रखनी है। ये देखिए, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। सिजलिंग के बाद 2 मिनट और पकाना है और अब हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है। हमारे दोनों सॉस रेडी हो चुके हैं। हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है तो हम उसे लसानिया शीट्स के लिए मथते हैं और एक तरफ साइड में हम कढ़ाई में पानी भर के उबालने को चढ़ा देंगे और आटे को अच्छे से मथ लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आटे को आप जितना अच्छा मथेंगे हमारी लसानिया शीट उतनी ही अच्छी तैयार होगी। तो हम लसानिया शीट्स को बिल्कुल रोटी की तरह जैसे बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे। आप चाहे जो भी शेप रख सकते हैं, आपके पॉट के अकॉर्डिंग आप बड़ी छोटी किसी भी आकार में रख सकते हैं और आप चाहें तो बाद में चक्कू से काटकर भी रीशेप कर सकते हैं। यहाँ मैंने चौकोन बनाना है इसलिए मैं चक्कू से चौकोन शेप में काट रही हूँ। इसी तरह करके आप सारी लज़ानिया शीट्स एक एक करके बेल कर रख लें। तब तक हमारा पानी भी उबल जाएगा। हमारा पानी उबल चुका है और हम धीरे धीरे करके उसमें एक एक शीट्स डालते जाएंगे। शीट धीरे धीरे करके डालेंगे तो उस वह एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। जब हमारी शीट्स अच्छी तरह से उबल जाएगी तब हमें शीट को ठंडा करने के लिए रख देना है। हमारी शीट जब तक ठंडी होती है तब तक हम लसानिया में लगने वाली सब्जी तैयार कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई गरम करना है और उसमें 2 टीस्पून बटर डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून कटी हुई पीली शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून कटी हुई लाल शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून कटी हुई हरी शिमला मिर्च और 1/2 कप कटी हुई ब्रोकली। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये सब्जियों को लिया है क्योंकि इनसे लसानिया में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इनको हिला लेंगे। इन्हें हमें तेज आंच में ही पकाना है क्योंकि इन्हें हमें क्रंची रखना है, गलाना नहीं है। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें सीजलिंग करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ओरेगेनो। ओरेगेनो को हमको उसी तरह मसलते हुए डालना है जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन मसालों को मिला लेंगे और करीब 2 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप आपके स्वादानुसार ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये मिल जाते हैं तब हम इसमें डालेंगे 2 कप बारीक कटा हुआ पालक। पालक इसमें आपको ज़रूर से इस्तेमाल करना है। पालक से लसानिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और पकने के लिए रख देंगे। चलिए देख लेते हैं हमारी सब्जी पक गई है या नहीं। बिल्कुल हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है और हमारी लसानिया शीट भी ठंडी हो चुकी है। अब हम लसानिया की लेयरिंग तैयार करते हैं। हम एक पैन लेंगे, आप कोई भी पैन ले सकते हैं जो माइक्रोवेव में जाए। और सबसे पहले वाइट सॉस की पतली सी लेयर लगाएंगे, उसके बाद रेड सॉस की भी पतली सी लेयर लगाएंगे।
और उसके बाद ठंडी हो चुकी लज़ानिया से रखेंगे। फिर से वाइट सॉस की पतली लेयर, रेड सॉस की पतली लेयर, अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। सब्जी की भी हमें बिल्कुल पतली लेयर लगानी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज, सडार चीज करीब एक टेबल स्पून, पिज्जा चीज डालेंगे वो भी बिल्कुल थोड़ी सी एक टेबल स्पून, और फिर प्रोसेस्ड चीज घसते हुए डालेंगे। बिल्कुल पतली सी लेयर करना है। फिर हमारी सेकेंड लेयर, लज़ानिया में तीन लेयर लगती हैं, सेकेंड लेयर में भी वही प्रोसेस पूरी लगेगी। पहले वाइट सॉस की थीन लेयर, फिर रेड सॉस की थीन लेयर, फिर वेजिटेबल्स की थीन लेयर, और फिर तीनों चीज़ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। आप चीज़ की प्रपोर्शन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लेयर में चीज़ डालनी है तो चीज़ हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी तीसरी और फाइनल लेयर, फिर से शीट लगाएंगे। व्हाइट सॉस की थीन लेयर, रेड सॉस की थीन लेयर, वेजिटेबल्स की थीन लेयर, हमारी तीनों चीज़ यहाँ फाइनल लेयर में हम थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ लगाएंगे। पूरे जो हमने लेयरिंग की है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हमारी तीनों लेयर कंप्लीट हो चुकी है, चीज़ भी अच्छे से लग चुकी है। अब हम इसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा लसानिया कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। सारी लेयरिंग्स बहुत अच्छे से दिख रही हैं।